जमशेदपुर में फल दुकान में लगे पोस्टर को लेकर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने रविवार को काला फीता लगाकर इसका विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बातचीत की आशंका पहले से जताई जा रही थी। बीजेपी इन दिनों समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। पर्दा डाल दे, उस गलती को कोई अगर जस्टिफाई करने लगे और उस गलती को अगर कोई पीठ थपथपाने लगे तो मैं समझता हूँ कि ये घोर राजनीति है। जिस तरह से फल की दुकान पर पूर्व मुख्यमंत्री का वहाँ जाना और वहाँ जाकर के उसको उत्साहित करना, कोई इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर आईना दिखाना वाला अगर गलत तरीके से आईना दिखाएगा तो यकीनन जो है वो जहर फैलने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की यह राजनीति, कहीं से भी लोग इसको, इसीलिए इनको यहाँ से तमाचा मार के लोगों ने बाहर किया है।